सारण के छपरा में राखी गुप्ता ने अपने नामांकन के दौरान हल्फनामे में गलत जानकारी दी थी, जिसके चलते गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए राखी गुप्ता को बर्खास्त कर दिया। राखी गुप्ता ने अपने नामांकन के दौरान हल्फनामे में गलत जानकारी दी थी। हल्फनामे में राखी ने दो बच्चों का जिक्र किया था, लेकिन कागजातों के मुताबिक उनके तीन बच्चे हैं और छपरा में पहली बार सीधे मतदाताओं के द्वारा हुए चुनाव में राखी गुप्ता ने नगर निगम छपरा से मेयर पद के चुनाव में लगभग 67,000 मतों से जीत हासिल की थी। छपरा के पूर्व मेयर सुनीता गुप्ता ने चुनाव आयोग की शिकायत की थी और राखी गुप्ता के निर्वाचन को रद्द करने की मांग भी की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले डेट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुनः आज आयोग ने फैसला दिया और राखी गुप्ता को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें मेयर के पद से बर्खास्त कर दिया गया। अयोग्य घोषित होने के बाद राखी गुप्ता ने कहा कि मैं आगे हाई कोर्ट जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि राखी गुप्ता ने पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी और पहली बार में ही उन्हें बड़ी जीत मिली थी। अब देखना होगा कि राखी गुप्ता अब आगे क्या कदम उठाती है और ये आने वाला समय ही बताएगी। मामला तो आप लोग सबको मालूम है। ये तो हमारे नॉमिनेशन से पहले से हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमने साफ बताया भी है। सही गलत का निर्णय तो कोर्ट के हाथ में है और हाँ, शायद कुछ लोग पीछे पड़े हैं हमारे, लेकिन मैं आप लोगों से और जनता से एक ही बात कहूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं ये कहूँगी कि राखी गुप्ता जनता के द्वारा आई थी और जनता ने जिताया था, जनता की जीत थी। आज अगर राखी गुप्ता के साथ जो भी हो रहा है तो वो जनता की हार है। और मैं जनता को बताना चाहती हूँ, जनता को कुछ नगर निगम की बातों से मैं जनता को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि पहले नगर निगम में कभी भी बैठक बार बार नहीं हुआ करती थी। हमने 6 महीने में 4 बार बैठक कराई, जानना चाहा जनता की क्या प्रॉब्लम है, पार्षदों से जानना चाहा और हर वक्त हम जनता के बीच में घूमते रहे। ऐसा कभी नगर ने हमारे एटलीस्ट हमारे छपरा नगर निगम में तो ये कभी नहीं हुआ था। लेकिन शायद यही सब मेरी बातें थी जो विपक्षियों को बर्दाश्त नहीं हुई और वो हमारे पीछे कई महीनों से पड़े थे। और चलिए कोई बात नहीं, पद से मुझे विमुख कर दिया गया है। मैं न्याय का हमेशा सम्मान करती हूँ, मैं कोर्ट के साथ हूँ, कोर्ट जो भी करेगा सही करेगा। कोर्ट को लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए, सही बातों की जानकारी कोर्ट को भी होनी चाहिए।